कॉलेज पटियाला विखे विराजमान संत गुरु फतेह नाल सांझ पाईए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ठिकर फोर दली सिर प्रभपुर किया प्यान तेग बहादुर सीकरिया करी न किन्हू आन तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोग है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। प्यारी साध संगत जी अज आप गुरमुख कॉलेज पटियाला की मर्यादा अनुसार कि इत्थे गुरु साहबान भगत साहबान शहीदा सिंघा सिंघणिया के नाल संबंधित जिन्हें भी पुरब ने वो मनाते हाँ असी बच्चों अपने इतिहास नाल विरासत नाल आप जुड़ते हैं तो बच्चों जोड़ते हाँ। उस लड़ी तहत अज का यह समागम गुरमुख कॉलेज पटियाला गुरु नानक फाउंडेशन नवी दिल्ली अते डेरा बाबा जस्सा सिंह जी का सांझा उद्यम है सांझा उपराला है जिस तहत अज आप कट्ठे हुए हाँ। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी बाणी दे विच सानू निरभौ अते निरवैर रहन दा जो सबक सिखाया उन्होंने अपनी बाणी द्वारा सानू कहा कि भै काहू को देत नह नह भै मानत आन। उसे नू श्री गुरु साहब ने अपने जीवन दे विच सत साबित करदे आ दिल्ली दी हुकूमत दा रख पांदे आ जिमें कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी बाणी दे विच फरमान करदे ने कि ठिकर फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान। उन्होंने अज दा जिहड़ा आपां दिहाड़ा मना रहे आ उस अनुसार दिल्ली दे चांदनी चौक दे विच धर्म दी रखिया लई अपने सीस दा बलिदान दिता शहादत दिती। उस दिन नूं आपां अज मना रहे आ गुरु साहब दी याद दे नाल आपां जुड़ रहे आ। गुरु साहब मेहर करन अपनी दया अपना दया भरिया हथ अपने सेवकां दे सिरां दे उत्ते रखण ते इह कारज सफला होवे असीं गुरु साहब दी याद नाल जुड़ जाइए उन्होंने दिते हुए जिहड़े सिद्धांत ने उन्होंने जिहड़ी दित्तियां हुई सिक्ख्यावां ने वो साढ़े जीवन नाल जुड़ जाण असीं उन्होंने धारनी होईए। सब तो पहला मैं बेनती करती हाँ गुरमुख कॉलेज पटियाला दे गुरमुख संगीत दे विभाग बीबा अमनप्रीत कौर जी नूं ते नाल गुरमुख कॉलेज पटियाला दे विद्यार्थियों नूं कि वो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बाणी नाल सानूं जोड़न। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
जाते नहीं जाने, गो
बहुत धन्यवाद बीबी अमनप्रीत कौर जी और गुरमत कॉलेज पटियाला के विद्यार्थियों का जिन्होंने सानू गुरु शब्द नाल जोड़िया है। मैं हूँ मैडम प्रिंसीपल जी डॉक्टर जसबीर कौर जी को बेनती करती हाँ कि वो अज के दिहाड़े से समूह संगत न संबोधित हो। प्रोफेसर जसबीर कौर जी बहुत ही सत्कार जो मेरे अध्यापक सभा डॉक्टर अशप्रीत कौर डॉक्टर हरजीत सिंह जी मैडम अमनप्रीत कौर कुलदीप सिंह जी प्रभजोत कौर ते मेरा बाकी स्टाफ जिन्होंने अज का ये प्रोग्राम जोड़ा उन्होंने मनाने वास्ते बहुत ही उद्यम किया। आयदा सी स्पावन वो टेक बाद महाराज की शहीदी पर बदलना है वो मना रहे हैं जिस विच गुरमत कॉलेज पटियाला का समूह स्टाफ डेरा बाबा जस्सा सिंह जी और गुरु नानक फाउंडेशन स्कूल के समुचा स्टाफ मैडम प्रिंसीपल अते होर भी समूह संगत जिहड़े इत्थे पहुँचे हैं असी सारे ही रल मिल के अज गुरु तेग बहादुर जी की बाणी अते शहादत नूं याद करदे हां ये लड़ाई मना रहे हाँ। सो ये समागम जिहड़े दिल्ली विच जां विश्व भर विच 28 तरीक नूं जिहड़े मनाए जाने हैं। सो 27 तरीक का गुरपुरब अपना नगर कीर्तन होगा तो साढ़े मन में आया सी कि क्यों ना असी इन्हां नूं इस प्रोग्राम नूं पहला ही दो दिन मना लईए और रल मिल के उन्हां दी बाणी का जो उन्होंने रागां विच रची जिहड़े उन्होंने श्लोक रचे उन्हां दा समुची साध संगत वालों जिहड़ा वा तो आपसी रल मिल के गायन करिए। सो साढ़े वास्ते ये जिहड़े दिन ने जो गुरु तेग बहादुर जी आप इत्थे विचर के इस धरती ते पटियाले दी धरती ते बड़े भाग ला के गए गुरद्वारा दुख निवार गुरद्वारा मोती बाग गुरद्वारा बहादुरगढ़ जिथे उन्होंने आण के संगत को नतमस्तक पुड़े हैं साढ़े सिर पर मेहर भरिया हथ रख्या है सानू बाणी ना जोड़िया है सानू अध्यात्मक ना जोड़िया है। सो उन्हां दी रब्बी गान बाणी का हुणे ही सारिआं ने तुसीं जिहड़ा ओ गायन सुनिया है रल मिल के असीं सारिआं ने उन्हां दा ये दिन जिहड़ा वा उन्हां दी बाणी गायन करके मना रहे हाँ। सो इत्थे जिहड़ियां संगतां पहुंचियां हन उन्हां नूं बेनती कीती गई सी सो विशेष तौर पर जिहड़ा बाबा जस्सा सिंह जिन्हां नाल हमेशा असीं सारे ये प्रोग्राम मिल के जिहड़े ओ करदे हाँ। सो उन्हां वल्लों वी सारी सागर साध संगत पहुंची आ विशेष तौर पर अज दे इस दिहाड़े पर मैं डॉक्टर प्रोफेसर जगरूप कौर उन्हां नूं बेनती कीती सी जिहड़े कि गुरमत कॉलेज दे नाल बड़े लंबे समय तो जिहड़े जुड़े हुए ने अंदरों जुड़े ने तो उन्होंने कहा सी कि मैं अपने समय चों समां कढ के जरूर विद्यार्थियों नाल इस दिन नूं मुख रख के गुरु साहब की जिहड़ी शहादत है जां उन्हां दी बाणी आ उन्हां नूं बच्चों नूं ये सारा दसण वास्ते पहुँचांगे वो भी इस मौके पर साढ़े नाल पहुँचे हैं। सो ये सारा जिहड़ा माहौल है ये एक रब्बी है जिहदे विच असीं विचर के दातां प्राप्त करनियां हन ते इत्थे तुहाडा सब दा आउणा जिहड़ा जरूर साढ़े गुरु साहब दे चरणां विच हाजरी लवाएगा। मैं अपने अशप्रीत कौर नूं कहांगी कि अगला प्रोग्राम जिहड़ा वो दसण तों पहलां अपना मैडम जी हम आओ उन्हां दा रल के पहलां सन्मान करिए इक सरूपा जिहड़ा उन्हां नूं कॉलेज वालों डेरा बाबा जस्सा सिंह वालों गुरु नानक फाउंडेशन स्कूल वालों समुची साध संगत वालों जिहड़ा असीं उन्हां नूं पहनावांगे उन्हां नूं बेनती है कि वो जरूर इन प्रोग्राम दा बोले सो धन्यवाद।
शख्सियत ने वह गुरमत कॉलेज पटियाला अंदरों जुड़े हुए ने। इस समागम तो पहला भी जिन्हें प्रोग्राम गुरमत कॉलेज पटियाला वालों ऑनलाइन या ऑफलाइन करवाए जाते रहे ने उन्होंने भी मैडम का सीधे रूप के हमेशा योगदान रहा है। मैडम जगरूप कौर जी ने लंबे समय अपन सेवावान जड़ियाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी को दित्तियां ने ते हुण भी दे रहे ने। यह यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के राजनीतिक विभाग के मुखी ते प्रोफेसर हन ते इस तो इलावा गुरमत पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के जिहड़े उच्च अहुदियां दे उत्ते इह विराजमान रहे ने ते हुण भी इस तो पहलां उन्होंने डीन सोशल साइंसिज रहे ने ते हुण डीन रिसर्च वजो अपन जगियां ने सेवावान निभा रहे ने। ते अज डॉक्टर साहब ने साडी बेनती नूं प्रवान करदे आ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे जीवन शहादत अते सिख्यावां उत्ते साडे नाल अपने विचार सांझे करन दा जिहड़ा हैगा बेनती नूं सद्दे नूं प्रवान कीता। मेरी हाथ जोड़ के निम्रता सहित मैडम नूं बेनती है कि वो अज दे दिहाड़े ते सानूं गुरु साहब नाल जोड़न। सारी संगत नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। अशप्रीत कौर जी ते गुरमत कॉलेज के बहुत प्यारे विद्यार्थी स्टाफ सेवान ते होर जुड़ी साथ संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा। मैडम जसबीर कौर जी आप ही इन्ने गुणी ज्ञानी है ते मैं तो उन्होंने सामने कुछ भी नहीं हाँ। ये हमेशा इन्हों का प्यार रहा है कि वो मैं इन्ना प्यार देते है। तो अज मैं जरा इन्होंने बाणी का उच्चारण किया बिल्कुल ही पता ही नहीं चलिया मतलब इन्ना अच्छा मन जाके इन्नी मधुर आवाज़ और इन्ने संगीत में लय गुरबाणी में विचरेगा। तो मैंने ये मौका दिता मैं पहले तो मैडम जसबीर का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि तुम मैं सत्संग बुलाया मैं जोड़िया गुरबाणी न जोड़िया नहीं तो मौके बहुत घट मिलते हैं तो मैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाकी मैम ने कहा कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत पर कुछ शब्द कहवा कुछ दसा और मैं तुम्हें तो दसना चाहवागी कि मैं इस विषय इन्नी माहिर नहीं हाँ जिन्नी को मेरी समझ है सिख परिवार जम गया है क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वह पोलिटिकल साइंस आएगा है। तो मैडम के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हैगी हाँ पर मैडम ने मैं बहुत प्यार दिता प्यार रखा है तो मैं उन्होंने मान करते हुए जिन्ने को मेरी समझ है मैं वो बारे तुम गुरु साहब के बारे थोड़ा जा अपने जो श्रद्धा के फुल भेट करना चाहवागी। तो मैं मैनू यही पता सी कि इस तरह कुछ कहना होगा मैं बकायदा पूरा जो है पेपर के रूप से लेके आई सी मैडम तो तुम दसो कि मैं कल कर दी हाँ मैं संकेत पूर्व कर देनी हाँ सो कर दियो हाँ जी एग्जाम से छाप ला अच्छा जी हाँ कोई गल नहीं है ना। सो मेरे तो बुरी ज्ञानी सारे इन्ने विद्वान बैठे हो गए है ना तो भूल चुक माफ करना जिथे तुम लग्या मेरे को गलतियां होनगियां भी सही क्योंकि मैं दसिया कि मैं इन्नी ज्यादा मैं समझ नहीं है जिन्नी थोड़ी जी समझ है भावना मेरी जड़ी है उन्होंने जड़ी जुड़ी है मैं उस भावना के नाल ही तुहाडे सामने कुछ दो चार शब्द कहना चाहवागी। सब तो पहले तो मैं यही कहूँगी पहले तो असं बहुत ही बड़भागी हाँ कि असी उस धरती से बैठे हाँ जी जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब की चरण छो प्राप्त हैगी असी बहुत ही किस्मत वाले बहुत ही भागा वाले है। तो जो आप सिख धर्म की गल करते हाँ तो मैं जो ये मेरा एहसास यही है कि सिख धर्म जोड़ा है संसार का एक योजा सर्व साझा धर्म है सर्व साझा धर्म है जो कि मनुखता साझीवालता का सभ्य साझीवाल सदाएं दिसे न कोई बहारा जीव साझीवालता का सद्भावना का भाईचारे का शांति की स्थापना लिए एक नया राह एक निवेकला जहा रहा सब दसदा है सिख धर्म जोड़ा है बेसिकली सू साझीवालता का जोड़ा है संदेश देता है। इसका कारण यह है क्योंकि जो सा गुरु साहबान से उन्होंने लोकाई में पूरे जगत में पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में ना केवल आदर्श जीवन जीवन ने सू प्रेरिया है सिर्फ आदर्श नहीं गढ़े बल्कि उस आदर्श की तुलना किमें है उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ किमें फॉलो करना है वह भी सू सिखाया है और उन्होंने एग्जाम्पल सारे गुरु साहबान साढ़े सामने आते हैं। उन्होंने सारी मानुक जाति दे विच जिहड़ा है परमात्मा की एक जोत समझी है तो किसी वैर विरोध जात पात देश विशेष के वितकरे तो आपस में प्यार करने का सानू संदेश दिता है ना को वैरी ना ही बगाना सगल संघ हमको बनाई गुरबाणी सानू यही कहती है कि ना को वैरी ना ही बगाना असी वो बाणी च भी पढ़ते हाँ
है ना। लेकिन असी मनुख हाँ, साढ़े जिहड़े सिद्धांत ते व्यवहार च बहुत फर्क है। असी रोज़ परमात्मा को सुमत मंगते हाँ, रोज़ अरदास च वी कहिंदे सानूं सदबुद्धि दे, सानूं उस जिहड़े गुरु साहिब सानूं दर्शाए राह ते सानूं चलण दी सानूं प्रेरणा देवे, रोज़ साडी अरदास भी यही होंदी है। सो सिख इतिहास अगर आपां देखिए, मैडम सानूं दस दिओ किन्ने मिंट करना है? 15। अच्छा, सिख इतिहास अगर आप खोलिए तो देखते हाँ कि सिख इतिहास जिहड़ा है सुल्तानपुर लोधी विचों दित्ते बाबे नानक का 13-13 का जिहड़ा मैसेज है दे शब्द तो आनंदपुर साहब विच दशमेश पिता के खंडे बाटे के पहल तक का सफर, गुरु अर्जन देव जी के तत्ती के उपर बैठ के शांतिपूर्वक शहादत को स्वीकार करना, और गुरु तेग बहादुर साहब वालों जबरी धर्म परिवर्तन करन अते व्यक्ति के जीवन के धार्मिक खेत्र विच जबरन राज की दखल अंदाजी का विरोध करन तो लैके रणभूमि विच मर्द अगंबड़े की आप देखिए, अगर सारा इतिहास देखिए दे सफर के रूप अगर देखिए तो असं कह सकते हैं कि जो सिख फलसफा है वो किसी व्यक्ति खिलाफ छिड़ी जंग नहीं सी, बल्कि एक उस निज़ाम एक सत्ता के खिलाफ, यही कि पर्टिकुलर कोई औरंगजेब या जहांगीर, एक सत्ता के खिलाफ सी, है ना, एक निज़ाम के खिलाफ सी जिहड़ा कि समाजिक सभ्याचारक धार्मिक विचारात्मक विरोध से, जिस विच थोड़े जे लोग जिहड़े सी बहुगिनती लोगों के नाल अनमुखी हालातों के जीवन जीवन लिए मजबूर कर रहे थे। तो अगर आप देखिए धर्म रखे साढ़े परोपकारी गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिन्होंने आप हिंद की चादर, मैं कहनी हाँ हिंद की पूरी सृष्टि की चादर है, मेरे हिसाब से वह सृष्टि की चादर कहलाते हैं। उन्हों की महान देन यह है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति में शहादत की प्रथा को अगे चलाया। इस तो पहला कोई भी इस तरह की शहादत नहीं हुई कि जिहड़ी किसी दूजे धर्म लिए की जाए, यह पहला अपने आप ही जो एक एग्जाम्पल साढ़े सामने आया कि दूजे के धर्म की राखी वो अगे आ पाए। उन्होंने 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 फोर्सिबली नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आप को ऑफर किया, उस जो रजीम से उन्होंने अस्वीकार करते हुए अपने आप को उन्होंने ऑफर किया। सो उन्होंने उन्होंने संदेश की तत्कालीन भूमिका असं अगर सार्थकता सू बहुत दिखाई दी, अज के समय तो उन्होंने ये जी शहादत की जी है रेलीवेंस सू बहुत ज़्यादा दिखाई देती जो आप असं मनुखी अधिकार के कंटैक्स गल करते हैं, ह्यूमन राइट्स के गल गल करते हैं। मैं थोड़ी जी ये भी गल करा कि असं जो भी कोई विचार आता नव असं कहने कि पश्चिम देशों तो आया है ना, चाहे नारी की समानता की गल कर लिए आप, चाहे आप मनुखी अधिकार की गल कर लिए भी UN ने दिता उन्होंने दिता, असं भूल जाते साढ़ा तो सा ही इन्ना साडा विरसा इन्ना महान है, साढ़े तो ही शुरुआत हुई, असं क्यों नहीं इस गल को एक्सैप्ट करते, असं हर गल ही उन्होंने देन को एक्सैप्ट करते हैं, उन्होंने दिता असं उन्होंने फॉलो कर रहे हैं। लेकिन असं भूल जाते हैं कि ये तो साढ़े बाबे ने बहुत साल पहला सदियां पहले शुरुआत की, चाहे नारी समानता की बाबे नानक तो शुरू हो गई है। तो आप जो मनुखी अधिकार की गल करते तो मेरे हिसाब के ना यह जरा है मनुखी अधिकार की शुरुआत गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत तो शुरू हुई है, और जिहड़ा ह्यूमन राइट्स डे है मैं ये लगता है कि जो उनका शहादत दिवस आए उस दिन सानू मनुखी अधिकार दिवस मनाना चाहता है चाहिए है। जो आप ह्यूमन राइट्स के 10 दिसंबर की गल करते हैं भी 1948 UN ने डिकलरेशन की पूरे विश्व मनुखी अधिकार छुड़े, मेरे हिसाब के ना तो शहादत का दिन जोड़ा है उन्होंने मनुखी अधिकार के दिन सू मनाना चाहिए है। सो गुरु साहब की जी है देखिए तो 59 शब्द है 57 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब संकलित किए गए हैं, और उन्होंने बाणी बारे आम तौर पर कहने विरागमई होने की जिक्र किया जाता है, विरागमई है ना डिटैचमेंट, लेकिन ये विराग जरा उदास वाला विराग नहीं है, असं इन कह दें कि बड़ा ही डिप्रेसिव जहाँ जिन आप अक्सर कह रहे बड़े विराग विराग अक्सर आप लगे ना भी सब कुछ भज छड़ के भज के काम करना गृहस्थी जीवन को त्याग के जिम्मेवारियों तो नहीं, उन्होंने जोड़ा विराग है बड़ा सकारात्मक विराग है, कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ विराग है ना। तो जो आप उन्होंने देखते हाँ ये जो विराग है जिसकी नींह गुरु नानक साहब ने सिद्धा नाल गोष्ठी जो करती सी सिद्धा नाल जो सिद्ध गोष्ठी जी आप पढ़ते हुए बाणी च आती है ना वाले कर उसकी जी नींह से उस वे रख दी गई सी, जो सिद्धा ने पूछा कि संसार तो पार किवें करिया हो सकता है तो इसके जवाब में सारे गुरु नानक साहब जी ने कहा कि जैसे जल में कमल निराला मुरगाई निसानी सुरत शबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाने, सुरत शबद शबद की जी शबद की गल की गई सी है ना। सो गुरु साहब का जो विराग है वह संसार अते ग्रस्त तो बच भजन की थान इसे समाजिक राजनीतिक संकटों के हल लई जुलम नाल टकराना बहुत वड्डी गल है,
ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਸਭ ਇੰਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਲੋਕ ਵਾਲੇ ਨੌਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਲੋਕ ਬੋਲਾ ਨੌਵਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਜਕੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਤਮਕ ਬਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਮੀਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਤਮ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੁ ਨ ਹੋਏ ਉਪਾਏ, ਕਹ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੁਮੀ ਹੋ ਸਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਤਾ ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ ਵਸਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਾ ਗਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਕੁੜੱਤਣ, ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰੇ? ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੱਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਦੁੱਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹੈ ਨਾ,
तो गुरु साहब ने वाकई उस समाज की नींव रख सकी सी, है ना। अपने उन्होंने धर्म धर्म आजादी धर्म के नाल थोड़ा कल्चर भी जुड़िया होया है ना, थोड़ा रहन सहन, थोड़ा खान पीन, थोड़े सोचने का तरीका, तो बड़ी खूबसूरती तरीके उन्होंने जिन्होंने आप कहने ना बहुत संस्कृतिवाद, हर एक सन्मान देना, सन्मान मतलब यह होंगे कि तो, जो तो आप गल करते हैं बहुत संस्कृतिवाद की मल्टीकल्चर जो आप कहना की हैगा वो होंगे आप एक दूजे के विश्वास एक दूजे के धर्म की इज्जत पहले तो एक्सैप्ट करिए, स्वीकार करना, सिर्फ स्वीकार नहीं करना मूँह तो आप कह रहे मैं एक्सैप्ट कर लिता है ना, लेकिन सारे मन अंदर रिस्पैक्ट भी होनी चाहिए, सत्कार भी होना चाहिए, फिर जो कोई यहोजी प्रॉब्लम आ जाए वो तो सूँ डिफेंड भी करना चाहिए। सो ये तीन चीज़ा जी गुरु साहब ने की, एक्सैप्ट रिस्पैक्ट एंड डिफेंड, है ना। सिर्फ मूँह के ना कह दे रिस्पैक्ट मैं बड़ी मेरे मन इज्जत पावे है ना, लेकिन अंदर साढ़े अंदर नफरत भरी होए है ना, जो पर कोई किसी किस्म की मुसीबत आए असं वो ना खड़ी हो ना, तो गुरु साहब ने जो कहा करके भी दिखाया, ना केवल एक्सैप्ट रिस्पैक्ट। अगर ये तीन चीज़ा साढ़े अंदर आ जाए तो समाज किस तरह का बन जाए, एक आदर्श सहनशीलता। असं आले पाले दुआले देखी साढ़े अंदर की है, असी मतलब असी एक्सैप्ट नहीं करते जल्दी जल्दी किसी है ना, भी जो मैं कह रहा वो ठीक है, बाकी का धर्म देखो एक सैकुलर अप्रोच होनी चाहिए, जिमें सू अपना धर्म प्यारा बाकी भी अपना धर्म प्यारा, तो सारे धर्म जोड़े सन्मान योग है, सब महापुरुष सन्मान योग है, लेकिन अपने धर्म के उपर चलना अपने उन सिद्धांतों को फॉलो करना ये साढ़ा एक आदर्श है। सो गुरु साहब ने यही जड़ा है ये मनुखी अधिकार सब तो पहले शुरुआत जी इतों हुई है कि दूजिया के धर्म की रक्षा करने लिए आप आए, जो कश्मीरी पंडित आए कृपा दादे सू सारे पता ही है, आप सुनते भी हैं पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू तो है ना। तो गुरु साहब ने कहा कि जमीन की आज़ादी के अधिकार को बरकरार रखने और राज सत्ता दो इसके विच किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान का एक निजी मामला है ना, ये जमीन का मामला है। सो इस इरादे को दर्शाता है कि यह सच की लड़ाई सी, है ना, इस सिद्धत के रस्ते तो कदम भी नहीं डोलना चाहिए, ये मनुखी अनखली लड़ाई के लड़ी गई सी, ये साड़ी जमीर की लड़ाई सी, ये मनुख सेल्फ रिस्पैक्ट जिन्होंने आप कहने डिग्निटी की लड़ाई सी, आत्म सन्मान की लड़ाई सी। सो गुरु साहब ने सू इस मतलब सू जीना सिखाया कि जियो तो आत्म सम्मान लिए जियो, अपनी सेल्फ रिस्पैक्ट लिए अपनी डिग्निटी को कायम रखना है, अपने अधिकारा की रख्या तो दूजे के अधिकारा की रख्या भी असं करनी है, तो जेकर किसी को सुरक्षा की सहायता की लड़ पे है ना, तो सानू की करना है सिर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए है, कमिटेड है, मतलब अगर किसी ने असं प्रोमिस कर लिता वचन कर लिता उस वचन को असं निभाना है, यही कि कमिटेड हो गया असं बैकआउट कर जाइए, नहीं मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें सानू असी गुरबाणी तो सीख सकते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ असं देखते हाँ है ना, मतलब किसी के नाल तुसी प्रोमिस किया असं करा अपनी जिम्मेवारी निभावे और बाद लास्ट मूमेंट आके असं कर दिए धोखा दे दिए तो कि गलत लगता है ना, तो उन्होंने सानू एक सच्चा सुचा जीवन मतलब जीवन की एक एथिकल वैल्यूज सू जीवन की जी है शिक्षा दीती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि समाज में विचरदा है तो ये नहीं कि किसी के उपर कोई दुख तकलीफ आए तो इनडिफरेंट हो जाओ, वट टू आप कहते ना आप सैल्फिश हो जाने तो मेरे परिवार को कुछ ना हो बाकी कुछ भी हो जाए है ना, अगर किसी दुख तकलीफ असं किसा सहारा बन जाइए है ना। गुरु साहब ने कहा असी कहते ना गरीब गरीब का मूँह गुरु की गोल है ना, तो रब उ ही बसता है, जो आप कह रब हर सबे घट राम बोले तो मतलब वो यही बाणी तो होगी जेडे पहले जोत गुरु नानक दी नौवें नानक ने भी आके यही गल की गल सारी उ आ रही है, सेंस सारा कुछ उ है ना। सो ये जी मार्शल कौम जी है आप कहने गुरु हरगोबिंद साहब तो शुरुआत हुई है ना जी, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई, फिर गुरु साहब ने कहा भी सिर्फ अधिकारा नहीं नहीं सू अपने कर्तव्य नहीं भी काम करना है, मतलब क्योंकि दोनों चीज़ा एक द राइट दूजे की कर्तव्य साड़ी ता ही समाज प्रफुल्लित होएगा ना, असं अपने अपने हकों की गल करते जाइए अपनी जिम्मेवारियां ना निभाइए तो समाज किस तरह का होएगा किस तरह भी है ना, तो मतलब ये चीज़ा जड़ियाँ ये गलों में तुम सारे पता है, मैं लगता है मैं रिपीट ही कर रही हूँ मैडम बाकी बहुत हो गई बाकी जिससे तुम लगे मैंने रोक देना मैं खत्म कर दाँगी कोई गल नहीं। अच्छा फिर गुरु साहब ने एक बड़ी जब मैडम ने उन्हें बाणी च लिता सी पै कौम को देखना ना बे ना ना बे मन खान पौ नानक सुन दे मना ज्ञानी तह बखान, असं की करते हैं आप तो डरते घट हाँ दूजे को ज़्यादा डराने है ना, पै मतलब अपनी पावर शो करना कि मैं तेरे तो ज़्यादा स्ट्रोंग हाँ मैं तेरे तो ज़्यादा पावरफुल, ईगो हंकार दे विच आ रहे हैं, ये छोटे छोटे अपने डे टू डे लाइफ आप देखते हैं है ना, अपने पड़ोसियों के नाल अपने साथियों के नाल अपने कलीग्स के नाल जिते विचरते हैं आला दुआला जिते बई वह भला मनाई, गुरु साहब तो यह कहते आप करते हैं आप करते हैं
मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहनी हूँ जो लास्ट क्लास होती जो लास्ट बच्चा जाता ना सब तो पहले देखो भी लाइटा बंद है पखे पुखे बंद है जिम्मेवारी ये नहीं कि भी पीएन आएगा तो बंद करेगा है ना ये साड़ी सांझी प्रॉपर्टी है साड़ी एक मॉरल गुरु साहब ने यही तो सिखाया जिथे जाओ उदा भला मनो ठीक है ना हूँ आप इस इंस्टीट्यूशन तो बहुत कुछ लै रहे हैं साड़ी भी एक मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी बन रही है प्रिंसिपल स्टाफ साहब तो इन्ना कुछ दे रहे हैं तो साड़ी भी एक जिम्मेवारी बनती अपनी इंस्टीट्यूशन की असं वो प्रफुल्लित करिए साझे मिल के अपनी जिम्मेवार निभाई है ना तो गुरु किसी ना तो डराओ तो ना ही डरो डरना किस तो सांझ को आस नहीं है ना ट्रुथ जो ऑलवेज ट्रिम होंगे है ना झूठ है जितने उत्थे डर होएगा है ना तो ना किसी को अपनी पावर दिखाओ ठीक है ना मतलब एक प्यार मुहब्बत की एक मतलब पीस को एग्जिस्टेंस शांतिपूर्ण तरीके आप कि रह सकते आदर्श समाज कि बना सकते हैं प्रॉब्लम कितने आती जो साड़ी ईगो उपर आ जाती है ना टॉलरेशन खत्म हो जाती है सहनशीलता है ना आप दूजे एक्सैप्ट नहीं कर सकते साढ़े इतने सहनशीलता ही नहीं है भी मैं उपर रूल करा दूजा ना करे मतलब दूजा रूल मतलब दूजे की गल मैं जो कह रहा ठीक है हम समाज आप देख ही रहे की चल रहा है टॉलरेशन ही नहीं किसी को है ना असहनशीलता हो रही है आप देख रहे हैं तो गुरु साहब ने एक टॉलरेंट समाज पीसफुल सोसाइटी की है ना मतलब सब कहते हैं कुटुंब सजाए अपना एक बस उधर कुटुंब की गल पहले अपनी हिंदू उसकी संस्कृति ही आती है भी सारा विश्व एक परिवार की तरह है आप क्यों किसके लिए कर रहे हैं जो तो हम कहते हैं भी हर एक ने अपने कर्म का खाना है अपने मुकद्दर का खाना है फिर झगड़ा किस चीज़ का है ना गल ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गल सोचने की होती है कल मैं आते हैं गुरु माता है उन्होंने श्लोक मेले 9 बजे 8 बड़े सोनी किए मैं उन्होंने सुन रही थी है ना जी वो कहते कि आप कहने कि ईश्वर ने मेरे बुरा किया सच्चाई वाहगुरु ने मेरे बुरा किया वाहगुरु थोड़ा एक साढ़े कर्मा की खेल है ना जो असं बीजा वो गुरबाणी भी यही कहती है ना तो वह तो जस न्याय करने वाला है ना तो असं पाठ पूजा भक्ति साढ़े कर्म कट दे अच्छी राह चलेंगे साढ़े जो पिछले कर्म पता नहीं अभी कितने कर्म कि जन्म की करके आए तो साढ़े कर्म कट दे पाठ पूजा साढ़े नाम सिमर के नाल सेवा के नाल ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਦਬੁੱਧੀ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਬਸ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਰਹੇ ਉਹ ਸਦਬੁੱਧੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥੇਲੇ ਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ है ना विराग में बाणी कहने आप सकारात्मक विराग की गल करती है गृहस्थी च भी रहो गुरु नानक साहब ने भी एक गल की सी है ना सारे अपनी जिम्मेवारियां नु निभाओ पर इन्ने विच खचत नहीं होना भाई उदे ही अपने परिवार की सुख सुविधा लिए दूजे नु नुकसान करना नहीं साडा सारा ही परिवार है ना मतलब आप ही फलो दूजे नु भी फलो मतलब ये बहुत लिव एंड लेट लिव जिन्हों आप कहने वो प्रिंसिपल की गल की थी है सो गुरुदेव बहादुर साहब जी आप अगर देखिए बस मैं 5 सेकंड ज्यादा ले लूंगा है ना तो उन्होंने कहा कि जब गुरदेव साहब बहादुर साहब की कुरबानी विचों उन्होंने फसल में एक नवी शक्ति पैदा हो गई सी और सारे भारत की बलहीन हुई जनता झंझोड़ी गई और डोलते मन सिर निभाने लिए स्थिर हो गए और गुरु गोबिंद सिंह जी ने गद्दी से विराजमान होंदे ही फैसला किया कि एक नवी रूह भरेंगे ता जो गिदड़ा तो शेर ते चिड़िया तो बाज बन सकन मतलब उस भाबड़ दे विच उस है ना जोत दे विचों ते स्वयं हर एक असी जीव लिए जड़े हैं एक यहोजा असी माहौल पैदा कर सके और इसकी पूर्ति लिए गुरु साहबान ने समा पा के खालसा सजाया खास खालस प्योर खालस सजाया खालसा सजाया एंड खालसा ने मुगलों तो देश को आज़ाद कराने जो शानदार कारना करनिया उनकी गवाही इतिहास के पन्ने जड़े हैं अगर प्रति सब सब दिखाई देता से सब किसी देन है गुरुदेव बहादुर साहब की ही देन है सो बाकी इतिहास के बारे सारे को पता है असं शुरू तो पढ़ते ही आ रहे हैं तो सवाल उठता है कि बाबे की बाणी तो सन रोज नवे नवे सन संदेश दे दिए है ना और गल प्रॉब्लम कितने प्रॉब्लम साढ़े ना भी है असं अपने अंदर चाती पा ली असं दूजे के उपर ना कही असं हमेशा दूजे को दोष देने फलाना नहीं कर मैं तो लगता है असं अपने आप को सवार लिए तो जग समझ आएगा अपने आप को सवार लिए है ना मैं अपने लिए रिस्पोंसिबल हूँ दूजे लिए नहीं है तो जो मेरे अंदर मैं अपने आप से रोज कहते ना आंधी गुरबाणी भी कहते ना कि अपने आप रोज इंट्रोस्पेक्ट करो है ना असं दूजे को कहने असं क्लास में मैं स्टूडेंट को पूछा मैं बच्चे तुम्हें पता थोड़े डीमेरिट्स कह रहे ने पड़ोसी थोड़े फ्रेंड ने उन्हें 10-15 गिना छे क्योंकि असं कदम अपने अंदर झाती नहीं मारी मैं लगता कि मेरा सब गला संपूर्ण है मैं तो परफेक्ट हाँ प्रॉब्लम उतनी आ जाती है ना जो मैं कहनी मैंने तो सब कुछ आंदा है फलाने वो तो असं नैगेटिव पॉइंट वो लैने
होना की चाहिए अपने अंदर चाती मारी, मेरा कंपटीशन मेरे नाल है, दूजे नाल ही मेरा कंपटीशन, मैं रोज अपने आप नूं सवाल है, मैं अपने आप मन तो जो सूर अपना मूल पछाण, असं अपने उस तक पहुंचे ही नहीं है, असं दूजे के उपर देखते हैं, अपने अंदर चात मारो पता साढ़े किन्ने अवगुण भरे है ना। तो ये जरा चीज़ है ना, अपने आप आत्म बल में उपर उठाना, ये कदों होएगा, कदों होएगा जो असं अपने आप में इंटरस्पेक्ट करा, अपने अंदर चाती मारा, अपने अवगुण में सवार की को गुणा च लिया की कोशिश करा, ता ही एक अच्छे सभ्य समाज असं जो है कर सकते हैं, और ता ही अस गुरु के संदेश को अगे लै जा सका, ताकि दुनिया को पता चले भी आ गुरु का सिख उदा किरदार जड़ा है उन्हें गुरु का सिख बनाता है। एक रूप नहीं है, रूप तो है ही, फॉर्म तो है ही, अटायर तो है ही, लेकिन थोड़ा किरदार किस तरह का है। बहुत साल पहले एक इंटरव्यू चल रही थी शीला दीक्षित जो अपने सीएम रह चुके हैं, हम तो दुनिया च नहीं है, तो वह दस रहे थे कहते कि मैं इलाहाबाद को मैं तो मेरी सिस्टर असी पढ़न आना सी, तो सानू ट्रेन च मेरे फादर साहब बिठा लाए, तो फादर साहब ने कहा कि बेटा देखी उस बोगे च कोई सरदार भरा बैठा है, अगर बैठा तो उत्थे तुसी उस बोगे च बैठा, क्योंकि देखो एक किरदार है, मतलब सानू साहब ने इतना मान बख्शा है ना, एक सरदार एक सिख जिथे है भी वह दूजे लिए डिफेंडर बन के आया है ना, तो यह साड़ी की जिम्मेवारी बनती कि जो गुरु साहब का संदेश है असी समाज ही फैलाईए। मैडम ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, आप भी जुड़ते हैं, दूजे ने भी जुड़ते हैं है ना, आप जो अपना नाम जपाओ तो मैं बहुत अच्छा लगता है। हूँ असं कोविड के दिनों भी देखते हैं कि खालसा एड जी संस्था बनी कर रही, गुरु साहब के संदेश भी अगे लेके जा रही, तो साडा भी एक फर्ज बनता है कि जिन्ना को असं कर सकते हैं सानू भी जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ता ही ये जड़े बनाए समागम का ता ही सकारत होंगे है ना। बाकी बाणी सानू सब असं पढ़ते हैं, रूटीन च ही पढ़ते हैं, गल तो हैगी प्रैक्टाइज कर अमली जीवन च ध्यान दी, सच उपर सच्चा आचार, गुरु साहब ही कहते हैं ना साड़ा आचरण किवें, साड़ा कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बड़े किस्मत भागा वाले हाँ कि असी वह जो धर्म के अनुयायी हाँ जो बड़ा एक साइंटिफिक धर्म है, एक साइंटिफिक धर्म, तुम हर पक्षों हर चीज़ का देख लो, बड़ा ही साइंटिफिक, बड़ा ही सिस्टमैटिक, बड़ा लॉजिक है, वह हर सू वहम भ्रमा तो इन्हों तो उपर उठाया, एक बड़ी लिबरल जी अप्रोच दी है ना, एक लिबरल जहा सू नजरिया दिता है, असी इन्हें वहमा भ्रमा रिचुअलिज्म नहीं है, सू रिचुअलिज्म कभी सिखाए नहीं गए, इन्हों तो सू उपर उठाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितों सू क्या ना असं दोबारा उत्थे दोबारा जा रहे हैं, अस जा रहे हैं। सो समय की लोड़ है कि सू उस चीज़ तो असं अपने आप कड़ीए। तो मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मेरे वर्गे जिन्हों कोई ज्ञान भी नहीं है ना है ना, तुम इन्नी सांसद के सामने मैं मौका दिता, इसी बहाने मैं भी थोड़ा बहुत पढ़िया। सो वाहगुरु कुलचक माफ कर दी जी, वाहगुरु जी धन्यवाद जिन्होंने अज के संदर्भ के गुरु साहब के सिद्धांत की उन्होंने बाणी की व्याख्या साढ़े नाल कीती है, उन्होंने उपदेशों साढ़े नाल सांझा किया। तो गुरु साहब मेहर करन जिहड़े उपदेश उन्होंने अपने जीवन द्वारा सानू दिते ने, अपनी शहादत द्वारा सानू दिते ने, वो साढ़े जीवन के साढ़े अमल के दृढ़ हो जाए, यही अरदास है अज के दिहाड़े के उत्ते। एक होर बड़ी सोहनी गल मैडम ने आखी कि गुरु साहब का जिहड़ा बैराग है वह सकारात्मक बैराग है, वो सानू चढ़ती कला दे विच लैके जांदा है, वो सानू किते डोलन नहीं दिंदा, सानू किते हारन नहीं दिंदा। तो गुरु साहब ने सानू समाज दे विच विचरदे आं, गृहस्थ दे विच विचरदे आं, इहदे विच खचत ना होना, तो किवें एक निर्लेपता वाली अवस्था दे विच रहना। तो जदों आपां वेख रहे हैं कि आपां हुण अजिही सोसाइटी दे विच रह रहे हैं जिथे वख-वख नस्लां दे रंगां दे भेदां दे लोक जिहड़े हैगे ने वो साढ़े नाल विचर रहे ने, तां सारा परिवार अकाल पुरख का परिवार जिवें बाणी सानू उपदेश करदी है जाण के जदों किसे नाल कोई धक्का हुंदा है, किसे नाल कोई धक्का करदा है ना, तां सानू गुरु साहब दे जीवन तो उपदेश लैंदे आ उहदे खिलाफ हा दा नारा जरूर मारना चाहीदा है। कश्मीरी पंडितां ने गुरु साहब का दैवी पण जिहड़ा हैगा उहदा ज्ञान हासिल किया, तां ही उह अजिही अवकट स्थिति दे विच गुरु साहब को उन्होंने आके अरदास की। तो जिवें मैडम ने दस्सिया कि अज के समय के सिखां दा किरदार जिहड़ा हैगा उहनूं पूरी दुनिया जिहड़ी हैगी है वह जानती है, तो साढ़े उत्ते आसा ने पूरे संसार नूं पूरे जहान नूं
ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ 6 ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਭਗਵਾਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਨਿੰਦੇ
निरोपेक्ष।